हम आ गए डे थ्री में। अब यहाँ पर देखेंगे डे थ्री में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब ये पहले एडवेंचर जोन में जा रहे हैं डायरेक्ट आज फर्स्ट टाइम, पहली बार में, और देखते हैं आगे। तो ये जो है आउटडोर एग्जीबिशन है एडवेंचर जोन का। यहाँ पर अभी हम देखेंगे राइड, अगर चांस मिलता तो राइड लेने का। ये इंजन है, शुरुआत करते हैं आउटडोर एरिया से। ये फाइटर प्लेन है और ये जो बुल राइडिंग है आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम यहाँ अंदर आ चुके हैं। यहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर लास्ट दिन थोड़ा सा डाउन था क्योंकि अब जो स्टॉल्स थे वो ये पैक कर रहे थे। तो यहाँ पर एक ये नई स्टॉल हमें देखने को मिली नॉर्दर्न रेलवे की, जो स्पोर्ट्स के मेडल्स थे। और गाइस यहाँ पर देखो स्कूल के बच्चे काफ़ी सारे आए हुए थे, मतलब लास्ट डे काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए थे, ये छोटे छोटे भी। और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ सिग्नलिंग सिस्टम था जो इसे एक्सप्लेन कर रहे थे। साथ ही ये जो है कल्चरल एरिया, ये दिन का एटमॉस्फेयर था यहाँ का। ये है पेंटिंग एरिया, यहाँ पर आप खुद पेंटिंग कर सकते हो जैसे ये बच्चे कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और भी क्रिएटिविटी की जा सकती हैं जो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी, सीमेंट प्लाटू मतलब पता नहीं क्या क्या था। और इसके साथ ही यहाँ पर जिन्होंने पेंटिंग की थी उनके जो एक वॉल बनाई जा रही थी और उनकी पेंटिंग्स को एक साथ लगाया जा रहा था। अब यहाँ पर गए चल रहा था रेलवे का क्विज़, जिसमें कुछ आंसर देने थे रेलवे से जुड़े हुए। मैंने खेला था जिसमें मेरे 9 मार्क्स आए थे 15 में से, तो मेरे हिसाब से डिसेंट हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं ना कुछ ज़्यादा बुरे हैं। और गाइस ये देखो यहाँ पर दोबारा परफॉर्मेंस चल रही थी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी, आप इंजॉय करो उसे। गाइज ये हम आ गए हम दूसरी स्टॉल पे। यह कुछ नई स्टॉल थी यहाँ पर जो ट्रेन में यूज़ होते हैं वाल्व, मैकेनिकल पार्ट्स, ये सब यहाँ पर शोकेस हो रखे थे जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ये पार्ट्स हैं, इनकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई थी, ये आप यहाँ पर चाहो तो इसे स्कैन करके पढ़ सकते हो कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। कुछ तो फेमिलियर थे, कुछ बिल्कुल नए थे, जैसे ये बिल्कुल नया है। और यहाँ पर इसकी डिटेल अगर जाननी हो तो स्कैन करना होता है इसे। ये एसी का कंप्रेसर है और वो सस्पेंशन है, इनर स्प्रिंग है, आउटर स्प्रिंग है, ये सारे मतलब अलग अलग हैं। सो गाइस ये एक नया स्टॉल थी जहाँ पर आर्किटेक्चरल एरिया था, जहाँ पर रेलवे के जो पुल्स यूज़ होते हैं, ब्रिजेस किस टाइप के होते हैं, सब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर देखो गाइस ये मॉडल बनाए हुए हैं, कितने मस्त लग रहे हैं छोटे छोटे मॉडल्स। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अभी मैं ब्रिज के टाइप्स भी आपको दिखाऊँगा कि कितने टाइप के ब्रिजेस ये यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये जगह गाइज ये काफ़ी पुराना ब्रिज है और इस टाइप के मतलब ब्रिज इंडियन रेलवे में यूज़ होते हैं। अब जो नए ब्रिज बन रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे आगे, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा गाइज। एक ये देखो ये स्पैन ब्रिज है और इसके साथ ही आगे और भी ब्रिजेस हैं, मतलब अलग अलग टाइप के वेरियस कैटेगरी के ब्रिजेस यहाँ पर दिखाए हुए थे इन्होंने, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइज ये हैं टूल,
जो आर्किटेक्चरल एरिया जो डिपार्टमेंट है वो यूज़ करता है कुछ भी काम करने के लिए। ये नॉर्मल जो इनके टूल्स होते हैं ये आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने यहाँ पर अपने टूल भी शोकेस किए हुए थे। टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, इंची टेप है, मार्किंग का भी कुछ है, और एक जो बहुत फेमस है जो स्टैंड लगा के लोग देखते रहते हैं वो भी लगा हुआ है। और गाइस ये है हमारे क्लाइंट अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ ये यूनिक रोबोट। ये जो है ये ट्रेन के नीचे मतलब काम आता है जब कुछ पार्ट्स देखने होते हैं। कैमरा भी लगा हुआ है, रिमोट से चलता है। और गाइज ये है वंदे भारत जो ट्रेन थी उसका एक मिनिएचर मॉडल, वर्किंग मॉडल, मतलब ये चल रही है आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही मस्त लग रही थी चलते हुए। ये देखो गाइज ये आगे पीछे हो रही है, एग्जैक्ट मतलब मॉडल था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखो चलते हुए। आप भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आपको भी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ये देखो ये है वो रोबोट, और देखो चल रहा है ये, और इसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखो गाइस वो सामने ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे रिमोट से, तो ये ऐसे ही रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, और नीचे देखा जाता है कोई पार्ट तो नहीं टूटा हुआ ट्रेन का। तो गाइस ये हम आ गए नाइट में। अब नाइट का मैं आपको यहाँ की वाइब दिखाता हूँ, नाइट में क्या हाल चाल है। लास्ट डे क्या है इसका, मतलब लास्ट 23 जुलाई का है, इसमें नाइट में क्या कुछ बचा हुआ है लास्ट दिन, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। और वीडियो पर आपको बने रहना एंड तक देखना, काफ़ी अच्छे सरप्राइजेस आपको इसमें मिलेंगे। तो जैसा कि आप भीड़ देख पा रहे हैं, हद से ज़्यादा भीड़ थी रात को यहाँ पर, तीनों दिन ही यहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ रही है। मगर लास्ट के जो दिन था उसमें देखो गाइस यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं वो सारी मतलब लगभग पैक हो चुकी हैं, अपने अपने जो स्टॉल थी वो सब अपने अपने पैक करके लेके जा रहे हैं। मतलब लास्ट दिन यहाँ आने का मज़ा था तो सिर्फ़ एक जगह पर, वो है इसका कल्चरल जोन, जहाँ फूड एरिया है, कल्चरल एरिया है, असली मज़ा वहीं जाने का है। तो डायरेक्ट आपको वहीं लेके चलते हैं और एंजॉय करवाते हैं। ये परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगी मुझे, और ये अभी आप आगे देखोगे।
था डे थ्री का बिल्कुल एंड। और गाइस केरला का जो स्काउट गाइड के आई हुई थी एक टीम आई हुई थी, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही बेस्ट दिया है और ये दे आर स्टिल परफॉर्मिंग, वो स्टिल परफॉर्म कर रहे हैं, बट हमारा टाइम हो गया इसलिए हम जा रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट ऐसी और वीडियोज़ के लिए।